Good morning guys and welcome back to another vlog. Today is 27th of January and मेरे दिन की शुरुआत कुछ बिल्कुल अच्छी नहीं थी. सुबह के 6 बजे मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है कि लाइक मैं बता नहीं सकता हूँ, बस दिखा सकता हूँ क्या हुआ है. मतलब जो भी हुआ ना बड़ा गंदा हुआ. ये जो मैं कह रहा था मैं आपको दिखा सकता हूँ वो ये है. एंड ये मेरे से हुआ आज सुबह. एंड मेरे से हुआ है सुबह आज, मतलब क्या ही बोलूँ मैं यार. सबको पता है किसने वो देख थे गाड़ी. सबको पता है कुछ दिख रहा नहीं था, मतलब बहुत फॉग थी एंड ऑल स्टफ. बैक करा एंड सीधे जाके पोल पे बजी है एंड उसकी वजह से मेरा बैक ग्लास गाड़ी का टूट चुका है भाई. मैं इतना डर चुका था ना, मैं बता नहीं सकता आप लोग मतलब क्या हालत हो रही थी मेरी लिटरली. मतलब ना मुझे ऐसा लगा कि भाई आज मतलब ख़त्म, अंतिम दिन है आज मेरा. 27th of January अंतिम दिन है. मुझे लगा आज मेरे को सुबह सुबह मतलब 6 बजे क्लेश इतना बड़ा और गालियाँ पड़ेंगी बहुत ज़्यादा. मतलब डांट भी ऑब्वियस है यार, गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, बैक कोई मजाक नहीं है. मतलब जो हुआ लेकिन गलती से हुआ है, ऐसे नहीं है कि मैंने मतलब खुद जान के कराया, मतलब किसी ने हिट करा के बस जस्ट मतलब बैक करा था. बट गाइज मैं यही कहूँगा सबसे कि मतलब जब भी ड्राइव करें फ़ोन का मतलब बिल्कुल यूज़ ना करें एंड जब भी अपना एक्टिवनेस रखें यार माइंड में, ठीक है. ऐसे गलती हो सकती है, सबसे हो सकती है यार. छोटे हैं अभी सारे, मैं अभी 19 ही हूँ, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ यार. एंड इवन बड़ों से भी गलतियाँ होती है. बस यही कहूँगा कि सारे अपना ध्यान रखें एंड जो इसका भी कॉस्ट कुस्ट आएगा वो सारा मैं खुद पे कर रहा हूँ, मैं घर वालों से नहीं ले रहा, ठीक है. मेरे पास जो मेरे पास सेविंग्स थी अपनी उसी में से पे करूँगा, घर वालों से एक पैसे नहीं लेने वाला भाई क्योंकि मेरी गलती थी. एंड अभी मैं करने वाला हूँ ब्रेकफास्ट. ब्रेकफास्ट के बाद हम गाड़ी को ठीक करवाने जाने वाले हैं. एंड गाड़ी फ्री कराने से पहले मैं वर्षुल को पिक करूँगा, उसको साथ लेके जाऊँगा एंड क्योंकि मुझे थोड़े और भी काम करने हैं, दैट्स वाई वो मेरे साथ चलेगा. सो गाइस मैं घर से निकल चुका हूँ इसको ठीक कराने के लिए. प्लान में थोड़े से चेंजेस हैं. वर्षुल को कॉल करा था मैंने बट वो कह रहा है कि वो अपने आप ही आएगा क्योंकि उसे थोड़ा सा काम है घर पर. तो अब मैं सीधे यहाँ से जाऊँगा नरवाल, क्योंकि नरवाल मतलब लगा लो मतलब जम्मू का ना बहुत बड़ी मार्केट है, जो मतलब व्हीकल वगैरह आप ठीक करवा सकते हो एंड मिनिमम कॉस्ट में यार. क्योंकि अब मैं अगर इसके जाऊंगा टाटा वालों के सर्विस सेंटर तो वहाँ पे तो बहुत कॉस्ट बताएंगे मुझे उसका, इसीलिए. एंड ये गाड़ी बहुत पुरानी हो चुकी है, तो पुरानी हो मतलब क्या कहते हैं इसे कि थोड़ा ओल्ड हो गया काफ़ी ज़्यादा, मतलब 7 साल से ज़्यादा हो गया है इसको. तो अब इतना इसके ऊपर इन्वेस्ट करने का कोई पर्पस तो है नहीं, मतलब कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई प्रॉफिट आया नहीं है कि भाई इतना इन्वेस्ट कर दूँ मैं इस पर. तो इसीलिए हम वहाँ से करवाएंगे. हम जाने वाले सिदरा रोड से, जो कि यहाँ से जम्मू से आउटर पड़ता है 12 रास्ता. यहाँ पे है मतलब कि लाइक काफ़ी ज़्यादा फोटोज़ खींचते हैं बंदे शाम को आके, स्टंट्स वगैरह मारते हैं एंड काफ़ी बाइक रेसर वगैरह, कार रेसिंग वगैरह बहुत स्टफ होता है यहाँ पे. मैक्सिमम तो मतलब फोटोज मतलब शाम को चलती चलती हैं. एंड अगर बात की जाए रोड की कंडीशंस की, तो रोड की कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब एकदम स्मूथ वे है आउटर वे. एंड जो हाईवेज है ऑलमोस्ट जितना भी है जम्मू के अंदर अब सारे एडवांस हो चुके हैं, मतलब प्रॉपर ऐसा नहीं है कभी ऊपर घापड़ ऐसा नहीं होएगा. अगर आप कभी विजिट करते हो जम्मू तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपका रोड को लेकर. हाँ गली मोहल्ले वालों को तो कुछ नहीं कह सकते. एंड आज का दिन स्टार्टिंग से मतलब बहुत फुटू था, आगे पता नहीं कैसे जाने वाला है. एंड आई थिंक मेरा आज जिम भी मिस हो जाएगा. एंड यहाँ पे आप सर्विस सेंटर्स हैं, यहाँ पे किया सेल्टोस का, होंडा का एंड खाने पीने के लिए भी है यहाँ पे. अभी नया नया बोला है नेस्कैफे भी है, फूड फैक्ट्री वगैरह ऑल स्टफ अवेलेबल है यार. ट्रैफिक आज ट्रैफिक इतना ज़्यादा कर क्या सकता बंदा यार, क्या ही करे भाई. मुझे बस यहाँ से राइट होना है, नीचे जाके बस मैं नरवाल पहुँच जाऊँगा. आप गए थे ट्रैफिक वाले भी खड़े हैं, नरवाल पहुँच चुका हूँ. तो अभी हमें लगेंगे 2 से
ढाई घंटे, मे भी तीन ही लग सकते हैं क्योंकि बैक मेरे 3,000 है। मुझे लगा था कि 5,000 तक खर्चा जाएगा लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे सिर्फ 2150 लग रहा है बैक मेरे चेंज होने का। एंड भीड़ जो है तो बहुत है, मास्क पहन के रखना पड़ रहा है एंड जेन्युइन रेट्स हैं। मैं अभी करवा रहा हूँ काम सुशील कार एसेसरीज से, तो जेन्युइन रेट्स है। कभी भी अगर आपका कोई प्रॉब्लम होती है गाड़ी वगैरह की यहाँ पर कर सकते हो एंड अंदर से भी पूरा क्लीन करके दे सकते हैं आपको कार पूरी एकदम नई चमचमाती कार। भैया अपना तो हो गया है लंबा काम, ठीक है, एंड मुझे तो लग रहा था कि भाई 5,000 तक लगेगा लेकिन ऐसा नहीं है, जेन्युइन रेट्स है। यहाँ पे आओ आप अपना काम करवा सकते हो। गाड़ी गाइस फाइनली हमने मिरर लगवा लिया है, ठीक है, वही पड़ा मेरे को रेट 2150 एंड सस्ता था, जेन्युइन प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सही था एंड काम तो बहुत अच्छा है लेकिन यहाँ का ना हालत कुछ अच्छी नहीं है। देख जैसे भाई रोड रूड बिल्कुल अच्छी नहीं है यहाँ पे, ठीक है, रोड रूड का कोई सिस्टम नहीं है लेकिन भाई गाड़ी ओके मिल जाएगी आपको सही एकदम एक नंबर भाई ग्लास, भाई शुक्र है लग गया भाई, ज़्यादा पैसे नहीं लगे, ठीक है अपना काम निकल गया। भाई अभी वर्षुल आ गया हमारे साथ, बड़ा लेट आया लेकिन ये भाई कितने जा है वीडियो की चीज़ भाई ब्लॉग बना रहा हूँ ना, बड़ा प्राउड मोमेंट वाला काम कर गया तू साले, तो क्या हो गया भाई फिर क्या हो गया ब्लॉग बनाने लाइक क्या था यार टूट गया भाई से। सो गाइज आई नो आज का ब्लॉग इतना इंटरेस्टिंग नहीं था, उसमें कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग किया भी नहीं है, तो मेरा मेन पर्पस ब्लॉग बनाने का ये था कि बिकॉज जो हम टीनेजर, जैसे मेरी भी टीनेजर, हम टीनेजर्स के साथ ऐसी सिचुएशंस आती रहती है लाइफ में, लाइक कि कभी गाड़ी ठुक गई यार, कभी कुछ हो गया। लाइव एग्जांपल ले सकते हो, मेरा एक फ्रेंड है, ठीक है, वो बिना बताए घर से सफारी लेके निकला था और उसने हल्का मतलब लग गया यार मेटाडोर वाले के साथ और डेंट पड़ गया, तो उस सिचुएशन में उसको समझ नहीं आया कि यार क्या करूँ क्या नहीं करूँ, ठीक है, लेकिन तब भी मतलब चलो उसने किसी से पूछ पूछ के करवा लिया। तो इसीलिए मैंने व्लॉग बनाया कि अगर आपके साथ सिचुएशन होती है, ऐसे सिचुएशन में पड़ जाते हो तो क्या करो, सबसे पहले घबराना नहीं है। तो अगर तो भाई किस्मत मेरी तरह फुद्दू हुई तो आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि 6 बजे जिसके साथ हुआ सुबह सुबह तो आप कहाँ ही चले जाओगे भाई, लेकिन अगर आपके साथ अगर ऐसे हो रहा है डे लाइफ में, मतलब डे डे में हो रहा है, बाहर गए हो फ्रेंड के साथ तब हो गया, तो तब आप तो सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो ना यार। अब टीनेज में उतने पैसे तो होते हैं, 3,000-4,000 सबके पास रहते हैं यार, तो आप जाके कहीं से भी करवा सकते हो, कहीं से भी क्या, नरवाल अगर आप जम्मू में रहते हो तो आप यहाँ पे करवा सकते हो, अब अगर आपके जो भी नियरेस्ट मार्केट है वहाँ पे करके करवा सकते हो। एंड मैं तो यही कहूँगा कि लाइक ना जो मेन अपना मार्केट को स्टडी करो प्रॉपर, क्योंकि ना मार्केट में हर किसी के पास अलग अलग रेट मिलेंगे। उसके बाद मैं डिफरेंट मार्केट में गया था क्योंकि मुझे इस गाड़ी की डेंटिंग पेंटिंग भी करवानी थी, तो मैंने डेंटिंग पेंटिंग के भी प्राइस पता किए, मैं एक ही के पास नहीं गया, मैं 3-4 के पास गया और एक ने बोला 25,000, एक ने बोला 20,000, धीरे धीरे आगे या 19 पे आए, धीरे धीरे 18 पे आए। तो बेस्ट जहाँ पे आपको प्राइस मिल जाए तो वहाँ आप करो वहाँ पे अपना काम, एंड बाकी तो सब सही है यार। बाकी तो मैं यही कहूँगा कि टचवुड किसी के साथ ऐसा कभी ना हो, प्रॉब्लम ना आए, बट वी ऑल नो दैट कि भाई टीन एज में ऐसा सब कुछ होता रहता है एंड घबराने का नहीं यार, घबराना नहीं होता लाइफ में, ये सब चलता रहता है यार, नॉर्मल चीज़ है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, जितने भी बड़े हो जाओ तुमसे गलतियाँ होएंगी। तो बाकी आई होप यू विल गाइज विल लाइक द व्लॉग एंड इफ यू लाइक द व्लॉग डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।